हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 8 की मैथ, जिसका चैप्टर है पहला, और मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ 1A, जिसका क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ पहला और दूसरा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1A। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है पहला का पहला क्वेश्चन, और इसमें हमने नीचे वाले 3, 5, 7 का लासा निकाल लिया। तो लासा क्या आएगा, 3×15, 15×7, 105। तो हमारा क्या आएगा लासा, 15×7, 105। 105 हमारा जो है वो लासा आएगा। अब 3 को 105 से भाग देंगे। ठीक है, 3 को 105 से भाग देंगे। 3×3, 9। ठीक है, 1 बचा और 5 उतारा, 3×15। ठीक है, कट गया हमारा, तो कितना आया, 35 आया। इस 35 को हमने यहाँ पे लिख दिया, और गुणे में क्या लिखा जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है, जो क्या लिखा है, माइनस का 2 लिखा हुआ है, वो हमने लिख दिया है। और हमने ये जो लासा निकाला था ये हम बिगाड़ देते हैं। ठीक है, ये जो हमने निकाला था, ये रफ काम जो था वो हमने बिगाड़ दिया। अब हमको 5 से 105 की को भाग करना है। 5 से 105 को भाग करना है। 5×2 10, कट गया पूरा, और 5 उतार लिया, 5×1, 5, तो क्या आया, 21 आया। इस 21 को हमने बीच में प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा ना, तो हमने क्या किया है, हमने क्या किया, 21 लिखा ये। ठीक है, ऊपर क्या था, प्लस माइनस, माइनस तो कर दिया था, तो माइनस का 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको माइनस का 4 लिखना है तो आप यहाँ पे प्लस का प्लस कर दो, और माइनस गुणे में माइनस का 4 कर दो। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो आपको प्लस का 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको 5 किससे भाग करना है, 7 से भाग करना है। ठीक है, 105 को 7 से भाग करना है। ठीक है, नीचे 7 लिखा है ना, तो 7 से 105 को भाग करेंगे। 7×7, कट गया, 3×5, और 7×5, 35। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, 15 आया। इस माइनस लगाया, 15 लिख लिया, ऊपर क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो 6 हमने ये लिख दिया है। इस तरीके से ये जो हमारा आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब गुणा कर लेते हैं। 35×2 क्या होता है, 70 होता है। 70 हमने लिख दिया, और फिर हमारा प्लस माइनस, माइनस हो गया, 21×84। ठीक है, 15×90। ठीक है, इतना आया, और बटे में क्या होगा, 105 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, क्योंकि सारे माइनस के हैं, जब सेम निशान होते हैं तो सारे हमारे जुड़ जाते हैं। 0 में 4 जोड़ा 4, 4 में जोड़ा 4। ठीक है, तो 9, 8 कितना होता है, 8×8, 16, 1×17। 17 में 7 जोड़ा, 17 में 7 जोड़ा कितना हुआ, 24। ठीक है, और माइनस काहे का निशान काहे का लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, निशान काय का लगेगा, माइनस का लगेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, हम आपको दिखा देते हैं इस तरीके से। तो हमारा आंसर क्या है, 244/105, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम यहीं पे लगा लेते हैं। ठीक है, तब तक आप वाला क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, बड़ा ब्रैकेट 2×-3, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2×-3, फिर प्लस 1/4 भाग 2। ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट वाला जो है उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट वाला पहला पहले जो है ब्रैकेट वाला पहले ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में क्या है, 3×12। ठीक है, माइनस को ऊपर कर देंगे, और 4×8, और 3×1, 3, और भाग 2। 2 के नीचे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, माइंड क्या आ जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 3 गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, काहे का बचेगा, माइनस का। क्यों बचेगा, क्योंकि 8 जो है वो बड़ा है, और 12। ठीक है, और भाग 2
एक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस पाँच बटे बारह को अपनी जगह पे लिखा रहने दिया, अब हम भाग की जगह पे गुणा कर दिया और इसको उल्टा कर दिया, एक बटे दो कर दिया। अब कुछ कटने वाला तो है नहीं, कटने वाला है नहीं तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस पाँच बटे बारह दूनी चौबीस, ठीक है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ अगला क्वेश्चन चलाते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें टोटल चार क्वेश्चन हैं। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है बड़ा ब्रैकेट और ब्रैकेट में माइनस का तीन बटे पाँच फिर गुणा पैंतीस बटे माइनस का बारह फिर ब्रैकेट बंद भाग एक बटे चौदह, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला पहला सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट वाला हम पहले सॉल्व करेंगे तो क्या कर लेंगे, पाँच गुणे बारह कर देंगे और माइनस माइनस यहीं पे हम काटे दे रहे हैं, क्योंकि नीचे माइनस है ऊपर माइनस है, नीचे और माइनस ऊपर माइनस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तीन गुणे पैंतीस हुआ। अब कटने वाला कुछ है, पाँच एकम पाँच, पाँच सत्ते पैंतीस और तीन एकम तीन, तीन चक्कू बारह, तो ऊपर और भाग में हमारा एक बटे चौदह जो है वो चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बराबर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। बराबर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है, एक गुणे सात, ये एक था ना तीन एकम तीन, बटे एक गुणे चार, ठीक है। और माइनस तो कट ही गया था और भाग में क्या था, भाग में था एक बटे चौदह, यही था ना। अब हम क्या करते हैं, इसको ये हमारा सात बटे चार लिख लिया हमने और भाग को गुणे में बदल दिया और ये हमारा उल्टा हो गया, मतलब चौदह बटे एक हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, चौदह सत्ते, ठीक है। तो सात बटे चार था, ये चौदह बटे हमारा क्या आ गया, तो अभी हमारा कट रहा है, अभी हम काट सकते हैं, दो एक दूनी चार, दो सत्ते चौदह, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर जो आएगा सात सत्ते उनचास बटे दो एकम दो, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, उनचास बटे दो है जो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन बिगाड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चौथा वाला क्वेश्चन लगाते हैं, पीछे के शोर को अवॉइड करिए आप लोग, जो मैं समझा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। और घर है, घर में तो शोर होते ही रहता है, बातें कर रहे हैं लोग अपनी अपनी, लेकिन किसको मना करूँ, मत बोलो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है माइनस का पाँच बटे नौ, ठीक है, माइनस का पाँच बटे नौ और माइनस का एक बटे माइनस का तीन फिर ब्रैकेट बंद गुणे पाँच बटे दो, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, नौ तिया क्या होता है, सत्ताईस होता है, ठीक है। अब पहले हम इसको सही से लिख देते हैं, ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा तो आपको भी नहीं समझ में आएगा। माइनस का पाँच बटे नौ है वो लिख लिया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक बटे तीन और गुणे में क्या है, पाँच बटे दो है, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करेंगे, नौतियाँ क्या होता है हमारा, सत्ताईस होता है और हम गुणा विधि से कर रहे हैं, ठीक है। लासा लेके करना है तो लासा लेंगे तो हमारा नौ लासा आएगा, गुणा विधि से कर लेते हैं, छोटी संख्याएं हैं तो गुणा विधि से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन पच क्या होगा हमारा, तीन पच पंद्रह हो जाएगा और नौ एक कम नौ हो जाएगा और गुणे में क्या चल रहा है, पाँच बटे दो चल रहा है। अब हमारा क्या आ जाएगा, पंद्रह में से नौ गया तो कितना बचेगा, पंद्रह में से जब नौ जाएगा तो बचेगा हमारा छः, बचेगा कितना बचेगा, छः बचेगा, काहे का बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि पंद्रह जो है वो बड़ा है, बटे सत्ताईस।
अब गुणे में हमारे साथ क्या है, 5/2। अब जो कटने वाला है वो काट दो, 2 × 2 = 2, ठीक है, और 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अब हमारे पास आंसर जो आएगा वो अब हम इस यहाँ पे लिख, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, दिख तो रहा होगा ना आपको, -1 × 5/9 × 1, ठीक है, ठीक है, यही आ रहा है ना। तो हमारा इसको क्या लिखेंगे, -5/9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चारों क्वेश्चन जो हैं वो हमारे लग गए हैं। तो चलिए अब इनको बिगाड़ते हैं, अगला दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है -12/7 और अब ये कह रहे हैं -12, बट मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, क्वेश्चन है -12/7 और 13/5 के योगफल को, और किसके योगफल को, 13/5 के योगफल को इन्हीं के गुणनखंड से, इसको भी बिगाड़ देते हैं, ठीक है, -12/7 और 13/5 के योगफल को इन्हीं के अंतर से हमको क्या करना है, गुणा करनी है, मतलब इन्हीं का योगफल निकालना है और इन्हीं का हमको अंतर निकालना है, ठीक है। ये तो योगफल हो गया, अब इन्हीं का अंतर निकाल लेते हैं, 12/7 − 13/5, अब इन्हीं का अंतर निकालना है, इनका क्या करना है, हमें गुणा करनी है इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो आइए ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं, तो 5 × 7 क्या होता है, 35 होता है, और 12 × 5 क्या होता है, 60 होता है, 7 × 13 की गुणा, 13 × 13 = 91 होता है, ठीक है। अब हमारा ये ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा 91 प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो 11 में से 1 गया, 1 में से 0 गया, 1, और 9 में से 6 गया, 3, और प्लस का होगा कि माइनस का होगा, प्लस का होगा क्योंकि 91 हमारा बड़ा है, 35, ठीक है। अब गुणा, अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 7 = 35 और 12 × 5 = 60 और 13 × 7 = 91, ठीक है। अब ये सेम निशान है, सेम निशान है मतलब हमारे ये जुड़ जाएंगे, मतलब 1 और 0 = 1 और 6 और 9 कितना हुआ, 15 हुआ, निशान काहे का आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि 91 बड़ा है, ठीक है, 35, ये हो गया, ठीक है। अब कटने वाला जो हो वो काट दो, कुछ कट रहा है ऐसा इसमें, कट तो रहा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 31 और 151 की गुणा करनी पड़ेगी, तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 151 और 31 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 1 × 1 = 1, 1 × 5 = 5, 1 × 1 = 1, 3 × 3 = 15, 3 × 3 = 4, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, 1 × 4 = 5, 3 = 8, 4 × 5 = 1 = 6, 4 = 4681 आया, 4681 आया। तो हमारा यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, 4681 हो जाएगा, और 35 की गुणा क्या होती है, तो 35 की गुणा करके देख लेते हैं अब हम, ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना होता है, मुझे तो याद नहीं है, कहाँ तक याद रखूँ, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है मैं बाद में बताऊँगी, 5 × 25, ठीक है, और 5 × 3 = 15, 1 × 15 = 2 = 17, 3 × 5 = 9 = 10, तो ये कितना आ गया, 5 × 7 = 12 और 2 × 1 = 1225, क्या आ जाएगा हमारा, 4681 / 1225 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो लग गया है, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है, आप समझ में आया होगा तो आपको हमारी वीडियो को लाइक करना होगा, क्या करना होगा, लाइक करना होगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन ये है, 4/3 × 5/2, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, और अब क्या आपको क्या करना है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है,
और अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। क्या देनी है? हमारी गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। सब्सक्राइब तो एक ही बार होता है, वो आप एक बार कर देंगे तो आपने सोच लिया होगा मैंने गुरु दक्षिणा दे दी, पर वीडियो तो आप हर रोज़ देख रहे हैं ना, तो आप शेयर भी हर रोज़ कर दिया करो, ठीक है। मैं ये ठीक है, हर रोज़ शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, किसी पे भी आप अपने फ्रेंड्स को, जानने पहचानने वाले जितने भी आपके मोबाइल में नंबर हैं सबको शेयर कर दिए। हमारे चैनल पे फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप ज़रूर हमारी जो गुरु दक्षिणा है वो दीजिए, और बेल आइकन जो होता है उसको हिट कर लेना, ऑल वाले ऑप्शन पर टच कर लेना, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो सुन के ज़रूर जाना। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं जोजस स्टडी, जोजस स्टडी सर्च करते हैं तो हमारा ये चैनल जो है खुल के आ जाता है। इस तरीके से चैनल पे जब हम टैप करते हैं तो पहला ऑप्शन है होम का, दूसरा है वीडियोस का, तीसरा है प्लेलिस्ट का, चौथा है चैनल का। जब हम प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो हम जब ने प्लेलिस्ट पे टच किया तो हमारी कई सारी जो हैं प्लेलिस्ट हैं, कक्षा एक की, कक्षा दो की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट जो हैं वो खुल के आ जाती हैं। अब आपको अगर ज़्यादा नहीं दिख रही तो ये एरो दिख रहा होगा, एरो पे आप टैप करेंगे, कहाँ है एरो, एरो पे आप टैप करेंगे, उसके बाद इस तरीके से ये क्या जाएगा व्यू 30 मोर। तो व्यू 30 मोर पे आप टच करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वाइज वो खुल के आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है वो आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियो जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और उसके बाद हमारी तीसरी बात ये है कि जब आप चैनल पे टच करेंगे, जब आप चैनल पे टच करेंगे तब आपको हमारे तीन और चैनल दिखेंगे, पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारे क्रिएटिव चैनल है। दूसरा, पहला जो चैनल है वो हमारे बच्चों के लिए चैनल है, बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाता है, उनको कैसे क्रिएटिव बनाना है, कैसे क्या चीज़ सिखाना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा चैनल है, दूसरा जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी चैनल है, जिसमें क्या आपको दिखाया गया है, उसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो हैं खुद हाथों से बनाना सिखाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी खुद हाथों से मैंने बनाई है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से ये ज्वेलरी बनी हुई है, आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट जो ज़रूर करिएगा। अब हमारा जो तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, इसमें क्या है, घर की जो पुरानी बेकार चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे हम क्या क्या सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, वो हमारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। इस तरीके से आप हमारे इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो भाई अब बाय बाय, सब्बा खैर, गुड बाय बाय बाय।